नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में लेटेस्ट अपडेट। हम देखेंगे वर्तमान में एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है, कितना काम और बाकी रहा और कब इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लंबाई 1350 किलोमीटर और चौड़ाई 8 लेन है। यह एक्सप्रेसवे भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे से कई छोटे और बड़े शहरों को कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे उनका विकास हो सके और यातायात आसान हो सके। दिल्ली से मुंबई तक यात्रा में 24 घंटे के बजाय मात्र 12 घंटे का समय लगेगा, जिससे फ्यूल और टाइम दोनों बचेगा। इस एक्सप्रेसवे पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे इतनी बड़ी यात्रा के बीच आराम करने, खाने पीने आदि की सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण जून 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जेवर में अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। लिंक रोड फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास DND फ्लाईवे से भी लिंक होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चेन्नई और सूरत के बीच एक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जो सूरत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे के दूसरे खंड के रूप में इसे मध्य प्रदेश के अंदर खोलने का प्लान है, जिसका उद्घाटन राज्य में चुनाव से पहले नवंबर 2023 से पहले होने की उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।